हमीरपुर जिले में बनने वाली चांदी की यह मछली जो देखने में जिंदा सी दिखती है और एक नज़र में सबको अपना दीवाना बना लेती है। यह हस्तकला और दस्तकारी का नायाब नमूना है जिसको पीढ़ियों से हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में एक ही परिवार के लोग बनाते चले आ रहे हैं, जिसे बनाने के लिए कोई मशीन नहीं बनी है बल्कि परिवार के लोग हाथों से इसे तैयार करते हैं। जब धनतेरस और दीपावली आती है तब इसकी डिमांड खासी बढ़ जाती है, क्योंकि मीन यानी मछली जिसे शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है उसे लोग अपने अपने पूजा घरों से लेकर ड्राइंग रूम में रखते हैं, जो पूजा घरों सहित ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाती है। देश में यह मछली चांदी की मछली मौदा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश सिर्फ इसी परिवार में बनती है और इसका दीपावली के विशेष शुभ अवसर पर यह धनतेरस के दिन इस चांदी की मछली का विशेष महत्व है और अधिकतर लोग जो है चांदी की मछली धनतेरस के दिन खरीदते हैं, इसको शुभ मानते हुए अपने व्यापार के विकास के लिए अपने जीवन के उद्धार के लिए इसको बहुत विशेष महत्व देते हैं कि चांदी की मछली जो है हमारे लिए विशेष शुभ मानी जाती है। शुद्ध चांदी से बनी इस मछली को अगर आप मौधा कस्बे के अलावा कहीं और लेकर जाएंगे तो कोई ज्वेलर इसे देखकर डुप्लीकेट बनाने से भी इनकार कर देगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन इसकी डिमांड जिले सहित पूरे देश और विदेशों में भी रहती है, फिर चाहे वह देश का कोई नामचीन नेता ही क्यों ना हो। चांदी की मछली डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर मौधा के बनी हुई है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है और ये मछली हमारे जितने भी राजनेता हैं करीब करीब जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी पहुंची है और जो भूतपूर्व रहे हैं उनके पास भी ये चांदी की मछली पहुंची है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है और शादी ब्याह और कोई भी फंक्शन हो उसमें और सर्दियों में कोर्ट में भी लोग लगाते हैं और इसका बहुत प्रचलन है। इस साल जब महंगाई का दौर है और चांदी की कीमतें भी चौथे आसमान पर पहुंच चुकी हैं, तब इसकी डिमांड में खासी गिरावट आई है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर जब इसकी मांग खासी होती थी, इस बार इसकी डिमांड न होने से कारीगर मायूस हैं, क्योंकि बीते दो सालों में कोरोना काल की वजह से भी यह कारीगर व्यापार नहीं कर सके हैं। मछली मौदा जिला हमीरपुर में हमारे अलावा दूसरा परिवार नहीं बनाता, हम ही लोग बनाते हैं। इसमें हमारे ये पुश्तैनी कार्य है, पुरखों से होता यही काम होता चला है। इसमें महारानी विक्टोरिया हैं, पुरखों को मेडल दिया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे पिताजी को इनाम दे गए थे, इसी पहला यूपी में पहला पुरस्कार दिया था। और ये धनतेरस दीपावली में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि भगवान मत्स्य अवतार हुआ था मछली में, इसलिए शुभ मानी जाती धनतेरस में। और इस वर्ष सबसे ज़्यादा महंगाई होने की वजह से इस वर्ष ज़्यादा धंधा नहीं चला।